हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी हिमांशु जल लेने गया है, तो हम उसे लेने जाने वाले हैं। और उसके जो कान्हा जी हैं वो हमारे घर पे आने, मतलब उसके कान्हा जी उसी के घर पे आने, इस वाले घर पे आने वाले हैं। तो पहले उन्हें लेके आना है, घर पर छोड़ना है, फिर हिमांशु के पास चलेंगे। तो वो इस समय भोला बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हिमांशु हमें कहाँ पर मिलता है। तो वैसे तो गागन पर बताया, पर पता नहीं गागन पर कहाँ पर, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। बेड़े भंडारे सब कुछ देखेंगे और भंडारे भी खाएंगे। तो बस शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो अभी अभी हमने टोकरी, यानी कि एक तरीके से सिंहासन बोल सकते हैं, तो इसके अंदर हम हिमांशु के कान्हा जी को लेके आने वाले हैं। तो बस यही बताना था, अब चलते हैं सीधे। सो जस्ट अभी मैं हिमांशु की छत पे आ चुका हूँ, तो अभी हम पहले उसके कान्हा जी को ले लेते हैं और मेरे घर पे चलते हैं। तो अभी मैं हिमांशु के कान्हा जी को घर में ले आया हूँ और वो मंदिर में भी बैठ गए हैं। तो अभी हिमांशु की मामी फ़ोन करेंगी, तब वो चौराहे पे मिलेंगी, तब जाना होगा। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा पहले फ़ोन का, उसके बाद जैसे निकलते हैं ब्लॉग में दिखाने की कोशिश क्या दिखाएंगे। और ऑटो वगैरह तो मिलने वाला है नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमारा निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है, आगे पुलिस वाले हैं, भंडारा चल लिया, तो देखते हैं हम कैसे निकल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी भीड़ वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ की। भीड़ में दबे पड़े, मतलब दबे नहीं, अभी तो थोड़ा सा रोड क्लियर है तो वीडियो बना ली, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ थी जिसका कोई भी ठिकाना नहीं था। तो देखो चलते हैं और यहाँ पे झांकियाँ वगैरह साइड में वो भी दिखाते हैं। तो हिमांशु भोले, संजू भोले सब उसी तरफ हैं, तो मतलब ऐसा सही नहीं लगता मुझे तो कि भोले कहना, पर पता नहीं होगी कोई बात। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। यार इस समय तो हिमांशु किसी सेलिब्रिटी से कमी नहीं है, कल सब फोन मिला रही हूँ, अभी तक नहीं लगा है। तो चलते हैं और ब्लॉग में बने रहना। हरे कृष्णा, क्योंकि कृष्णा को नहीं भूलना है कभी भी, है ना। तो यार बार बार भोलों के बेड़े दिखाना भी सही नहीं है, तो कुछ पहले यूनिक ढूंढ लेते हैं, है ना। तो सीधे खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, तो वो वाला अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे रोड पे अजीब सा भी लग रहा है। तो आप चलते हैं, है ना। तो मतलब ब्लॉग छोड़ना मत बिल्कुल भी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सब्र रख लेना, ओके। तो अब चलते हैं और अब सीधे या तो किसी बढ़िया जगह पर रोकेंगे या फिर जब भोलों से मिलेंगे तभी रोकेंगे, है ना। तो ब्लॉग में बने रहना, कृष्णा को नहीं भूलना है, हरे कृष्णा। जल आया, पर वो एक्चुअली में जल नहीं, कावर लेके आया है। तो आओ हिमांशु की भी कावर देखते हैं, देख के लेते हैं यार, बढ़िया ही होती है सब चीज़। तो वो अभी पीछे आ रही है, तो अभी एक मिनट उसका इंतजार करते हैं, पता नहीं सही। तो यार अभी तो अभी ये हिमांशु की कावर है, तो अभी तक हमें गलत फहमी थी कि हम जल आया, ये जल नहीं, मतलब अरे यार हाथ आ गया। तो लोंडा एक दिन में सूख गया, मतलब हमारा बेचारा प्यारा सा, मुझे भू यार सूख गया वैसा। तो गाइस हिमांशु जो है वो अभी दूसरे भोलों से बात कर रही है, तो हम उससे अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो यार एक बात बताना चाहता हूँ मन की, है ना। तो बात ये है कि पहले जब हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने आए थे तो हमें घुसने नहीं दिया था, और अब भोले के साथ में देखो भगवान की पावर, देखो उसी के अंदर घुस के ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये हमारी नहीं यार, भगवान की पावर है, देखो, है ना। तो अभी हम हिमांशु से मिलते हैं, है ना, सबसे पहले, तभी तो आगे का ब्लॉग शुरू होगा। तो ठीक है, thank you।
तो आते रहेंगे तो बस बने रहना। बाय बाय।